फैंस कैसे हैं आप? आई होप कि पिछली जितने भी एपिसोड्स अब तक आप देख चुके हैं जिसमें हमने अजल बैंड को फोकस किया, आपने इंजॉय किया होगा। आज हमारे साथ एक इंतहाई सोलफुल आवाज के मालिक जो कि अजल बैंड के साथ हैं, इनका नाम है रजब अली खान। आज हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इनसे जो बात हम कर रहे हैं उसका जो डायमेंशन है वो बहुत डेप्थ है उसमें। ना सिर्फ हम लहोती मेलो पे बात कर रहे हैं रजब पे, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इनका जिसे कहते हैं कि शजरानस है, आज हम उस पर भी बात करेंगे, स्पेशली ऑन द ग्वालियर फैमिली। आई एम राइट सर? ग्वालियर फैमिली, ग्वालियर। सर पहले तो हम शुरू करते हैं लहोती मेलो से। सर अजल की लहोती मेलो जाना, और सर एज अ सिंगर आपका क्या थॉट प्रोसेस है जब आप ये देखते हैं कि वहाँ पे आपको फोक सिंगर्स मिल रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट जॉनर के साथ, फिर वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल जैज प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? कामरान, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की, और जिस तरह हमने लास्ट लाहौती मेलो के विजुअल देखे, उसके इमेजेस देखे, फिर लाहौती मेलो के जो फाउंडर है सैफ, उससे जब बात हुई, उसने जब हमें चीज़ें बताई, तो वो एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आपका एक म्यूज़िक, आपको पता है यूनिवर्सल म्यूज़िक है, और इस वक्त पूरी दुनिया में सूफ़ी म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये एक आपका जेन्युइन म्यूज़िक है, फोक और सूफ़ी। और दूसरी चीज़, जिस तरह हम सरजमीन सिंध की बात करें, तो हमारे यहाँ जो औलिया कराम तशरीफ लाए, जिसमें लाल शबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सचल सरमस्त, ये इनकी अपनी अपनी शायरी और इनकी अपनी अपनी अल्लाह के साथ जो इनकी समझ लें कि लॉ का चक्कर, वो एक अलग सीन है। और फिर हमारे पास यहाँ पर तारीख में सिंध में बहुत सारी चीज़ें कहानी भी मिलती हैं, तो वो एक तरह का ये बहुत बड़ा इवेंट है जो कि एक समझ लें कि एक जगह पर हो रहा है, और उसमें जिस तरह हम अजल बैंड, हमारा म्यूज़िक स्टाइल चेंज है, इस तरह और दूसरे बैंड भी और दूसरे सिंगर्स भी जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। और मेरी अपना लाहौती मेलो सैफ की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं उनका थैंक्स भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें भी इस मौका दिया, इस टीम का हम हिस्सा बने। और दूसरी चीज़, जो वो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में इस वक्त हो नहीं रहा जो कि हमें ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज कल्चरल पोएटिक म्यूज़िक उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मुझे जो फील होता है कि उन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची को इंटीरियर सिंध के साथ सही मानों में मिला दिया।